जय माता दी गाइस, कैसी हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे, माता रानी सबको खुश रखें। सो गाइस, आज ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है भोले बाबा के मंदिर से। तो हम आए हैं भोले बाबा की पूजा करने के लिए, क्योंकि दिन है आज सोमवार। तो आप लोग भी भोले बाबा के दर्शन करिए और हम भी करते हैं पूजा। तो जैसे कि बेलपत्र हम लोगों को नहीं मिल पाती है, तो बेलपत्र जो भोले बाबा में चढ़ी रहती है ना, यही बेलपत्र ले लेना चाहिए, धुल लेना चाहिए और इसके बाद भोले बाबा में चढ़ा देना चाहिए। पूजा करने के बाद हम आ गए हैं घर। तो घर आने के बाद ना, जो मायके से सत्तू लेकर के आए थे, सत्तू हमारा काफ़ी रखा हुआ था। तो जो मंदिर में पंडित जी रहते हैं ना, हमने पंडित जी से पूछा, पंडित जी आप सत्तू खाते हो? तो बोले हाँ, हम सत्तू तो बहुत खाते हैं। हमने कहा इसी बहाने दान भी हो जाएगा और चलिए पंडित जी को सत्तू दे करके आते हैं। तो हम चलते हैं, पंडित जी को सत्तू दे करके आते हैं। और हमारी यूट्यूब फैमिली, आप लोग बताइएगा कि किसको किसको सत्तू पसंद है। हमको तो सत्तू बहुत पसंद है, हमारे पति देव को भी बहुत सत्तू पसंद है। तो बस बच्चों को दे देते हैं, यही मंदिर में दे करके सत्तू आएंगे। इसके बाद भगवान जी के बर्तन वगैरह साफ़ कर लेते हैं, जो अपने डेली के काम हैं, गर्म पानी लेना, चाय बनाना, इसके बाद नाश्ता कुछ ना कुछ बनाना, सभी हमारे काम होंगे। सो गाइस, ये टाइम ना शाम के 7:30 बज रहे हैं। दिन में हमने कोई ब्लॉगिंग नहीं किया है क्योंकि हमको कहीं जाना है, और कहाँ जाना है तो अभी आप लोगों से बता रहे हैं कि हमको कहाँ जाना है। और कल के ब्लॉग में हमारी सीरी बिटिया के लिए बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट आए हैं। हमारी बहनें, आप लोग आना चाहते हो, आप लोग आइए, खुशी खुशी आइए और हमारी सीरी बिटिया से मिलिए। तो यहाँ पर हम थोड़ी बहुत मेकअप कर लेते हैं, और आज की हमारी साड़ी कैसी लग रही है हमारी बहनें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, हमने तो पहले सोचा था कि बाल खुले करके जाते हैं, बट जूड़ा लगा लेते हैं क्योंकि इतनी उमस वाली गर्मी है कि गर्मी में ना तो हमारी हालत ख़राब हो जाएगी। तो हम बिल्कुल रेडी हो गए हैं, पतिदेव आ गए हैं, लेकिन पूजा कर रहे हैं। पतिदेव से कह रहे हैं चलिए यार पार्टी में हो करके आते हैं, लेकिन कहाँ जाने वाले हैं, कह रहे हैं ओला बुक कर लो और बच्चों को ले लो और चली जाओ। सो गाइस, हमने ओला बुक कर लिया है और बस हम लोग आ गए हैं, यहीं पास में ही है जहाँ हमको आना था। और आज यहाँ पर है क्या तो आगे आप लोगों से बता रहे हैं। सो गाइज, हम लोग आ गए हैं होटल, और यहीं पास में यानी रश्मि खंड में हमारी आंटी जी रहती हैं। उनकी ना 50वीं शादी साल गिरा है, तो हम लोग ना सब लोग आए हुए हैं आंटी जी को बधाई देने के लिए। और कितनी सुंदर सी झांकी आंटी जी ने सजवाया है, यानी घाटू श्याम की, और बहुत ही सुंदर सुंदर गाइज भजन भी हो रहे हैं। तो हम भी पहले पूजा पाठ कर लेते हैं, इसके बाद सभी बहनें हम लोग प्रसाद चढ़ाने के बाद ना रक्षा बंधवाते हैं, क्योंकि कहीं भी अगर पूजा पाठ का कार्यक्रम होता है तो मेन हमारा काम यही होता है कि पहले हमको प्रसाद चढ़ाना है, दर्शन करना है, रक्षा वगैरह बंधवाना है, इसके बाद दूसरे काम हमको करना है। तो यहाँ पर रक्षा बंधवाने के बाद ना आप लोगों को भी भजन सुना रहे हैं और अपनी प्यारी आंटी जी से आप लोगों को मिलवा रहे हैं और हम भी मिल रहे हैं। ना छोड़ने किया जग जननी परम ध्रुज निज मस्तक पर धारी बंद मात दुष्जनों के पाप को मातो तो ही। शंकर भगवान की, बोल गुरु जी महाराज की, बोल श्याम बहादुर जी महाराज की, बोल आलू सिंह जी महाराज की, बोल खाटू नरेश की, लखदातार की, हरे। सो गाइज, हम भी मिल लिए और आप लोगों को भी मिलवा दिए अपनी आंटी जी से। और हमारी आंटी जी ना रेड कलर की साड़ी में ना कितनी प्यारी लग रही हैं, सब बहनों के साथ मिल रही हैं। Thank you.
चरण चाकरी दे दो, चरण चाकरी दे दो, चरण चाकरी दे दो, चाकरी दे दो, चरणा में पड़ो रे शू में, 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 मन एक ठिकाना दे दो, मन चरण चाकरी दे दो, चरण चाकरी दे दो, मन चरण चाकरी दे दो, चरण चाकरी दे दो, मन चरण चाकरी दे दो। आप लोगों को भजन भी सुना दिए और भजन में तो इतना रस है, ऐसे मन कर रहा था कि भजन के पास से उठे ही ना, भजन ही गाते रहें। लेकिन बच्चे हमको बुला करके लाएं कि चलिए माँ अभी थोड़ी बहुत नाश्ता कर लीजिए। और बच्चे क्या नाश्ते में लेकर के आए, चाउमीन लेकर के आए हैं, जबकि हमको चाउमीन बिल्कुल पसंद नहीं है, बट इतने प्यार से बच्चे ले आए थे ना, हमने कहा चलो थोड़ी बहुत नाश्ता कर ही लेते हैं। और घाटू श्याम जी की ना कितनी सुंदर झांकी सजी हुई है, और आप लोग देख रहे हैं सभी बराती है तैयार हैं, यानी लड़की वाले की तरफ से भी और लड़के वाले की तरफ से भी। और सच बताएं बहू बेटा सब ऐसे झूम रहे ना, इतना मन खुश हो रहा है सब देख करके कि कभी हम भी ऐसे ही अपनी शादी सालगिरह मनाएंगे। और ये देखिए हमारी आंटी जी वैसे ही जा रही, जैसे लड़की जयमाल में जाती है तो वैसे आंटी जी हाथ में जयमाल लिए हुए हैं और चुन्नी ऊपर से उढ़ा करके, और एक तरफ ना अंकल जी के बेटा और सभी उनके बेटों के जितने भी दोस्त वगैरह हैं सब ले करके, यानी बारात लेकर के आ रहे हैं, और हम आंटी जी की बारात यानी हम लोग लड़की वाले की तरफ से हैं और जितने भी जेंट्स पार्टी है ना सब अंकल जी की तरफ से हैं। तो यहाँ पर हमारी आंटी जी कितनी सुंदर लग रही हैं, जयमाल लेकर के ना वैसे जा रही हैं जैसे आंटी जी अपने शादी के समय गई होंगी। और यहाँ पर हम लोग ना झूमते हुए आंटी जी के साथ चल रहे हैं जयमाल लेकर के। तो गाइस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज का ब्लॉग कैसा लगा। हम तो अपनी बहनों से कहेंगे कि हम सब लोग मिल करके ना जिनकी शादी सालगिरह, हम भी सब लोग मिल करके ऐसे अपनी शादी सालगिरह मनाएंगे। Come on.
आयो सावलिया सरकार सो गाइज, आप लोगों ने देखा कि जयमाल भी हो गए और हमारी आंटी जी बहुत ही खुश हैं। इसके बाद ना अब हम सब लोग चल रहे हैं, भोजन भी शुरू हो गया था शाम का और बच्चों को भी लेकर के हमको जल्दी निकलना भी था क्योंकि कल ना इन लोगों का स्कूल भी है, टाइम भी काफ़ी हो गया था। तो यहाँ पर भोजन में पनीर है, सूखी सब्जी है, कचौड़ी है, पूड़ी है और राइस है, तो बच्चे यहाँ पर खा रहे हैं। और सूखी सब्जी थी आलू की, तो बच्चों को तो सूखी सब्जी आलू की बहुत ही पसंद है, हमारे बच्चों को पसंद है। पता नहीं गाइस आप लोगों के बच्चों को आलू की सब्जी पसंद है कि नहीं पसंद है। और यहाँ पर हम खा लेते हैं आइसक्रीम, आप लोग भी आ जाइए, आइसक्रीम का आनंद लेते हैं। इसके बाद गिफ्ट भी मिल रहा है, यानी लड्डू मिल रहे हैं गिफ्ट में, और गिफ्ट लेने के बाद हम लोग निकल लिए हैं घर के लिए। शादी पर क्या अभी ना आप लोगों को दिखा रहे हैं कि गिफ्ट में हमको क्या मिला हुआ है। तो 50वीं विवाहिक वर्षगांठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी आंटी जी को, हम भी शुभकामनाएं दे करके आएँ, आप लोग भी दीजिएगा। और कितनी सुंदर पैकिंग है, और देखिए अपनी सासू माँ को भी हमने डिस्टर्ब कर दिया, बढ़िया रूम में ना एसी ऑन है और हमारी सासू माँ सो गई थी, जैसे हमने लाइट ऑन किया वो भी जग गई हैं। तो हम आराम से बैठ करके अपनी चूड़ी कंगन उतार लेते हैं क्योंकि चूड़ी उतारने में थोड़ा टाइम लगता है, पहनने में तो टाइम नहीं लगता है बट आराम से उतार ना भी पड़ता है क्योंकि कांच की चूड़ियाँ ना अगर आराम से ना उतारो ना तो चूड़ियाँ टूट भी जाती हैं। सो गाइस इस ब्लॉग का एंड भी करना चाहते हैं। जय माता दी गाइस, हर हर भोले।